कहते हैं कि इंसानों की तरह फिल्मों की भी अपनी किस्मत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फिल्म थिएटर में लग जाती है मगर ऑडियंस उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, पर जब वही फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आती है तो सुपरहिट हो जाती है। आज की वीडियो में हम ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जब थिएटर में रिलीज की गई तब ऑडियंस ने इन फिल्मों को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, लेकिन यही फिल्में जब ओटीटी पर आई तब ये सुपरहिट हो गई। अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की गई थी। ओटीटी पर आते ही यूजर्स इस पर टूट पड़े और सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर तारीफ भी की। कई यूजर्स ने ट्वीट्स लिखकर बताया कि फिल्म उन्हें कैसी लगी। रनवे 34 ईद के मौके पर 29 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई और करीब 32 करोड़ का कलेक्शन कर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए। कई यूजर्स ने तो ये तक कह दिया कि उनसे गलती हो गई जो इस फिल्म को वो थिएटर्स में देखने नहीं गए। वह शाहिद कपूर की जर्सी भी इस कैटेगरी में आती है। बता दें कि जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई थी तो ये काफी फ्लॉप रही थी। हालांकि कई रिव्यूज ने फिल्म की तारीफ की थी मगर फिल्म को ऑडियंस थिएटर्स में देखने नहीं गए। इस फिल्म ने करीब 21 करोड़ का कलेक्शन किया था। हालांकि जब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई तो तमाम ऑडियंस ने फिल्म की बहुत तारीफ की। आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक 26 जून को नेटफ्लिक्स पर आई थी। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म भी ओटीटी पर दर्शकों का ध्यान खींच रही थी मगर थिएटर्स में ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली थी। अनेक 27 मई को थिएटर्स में रिलीज हुई थी लेकिन फिल्म ने थिएटर्स में सिर्फ 7.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। नॉर्थ ईस्ट की सोशल और पॉलिटिक व्यू को दिखाने वाली इस फिल्म को ओटीटी पर काफी पसंद किया गया था। इसके बाद बीच में नाम आता है रणबीर कपूर की फिल्म जयेश भाई जोरदार का। रणबीर कपूर की फिल्म जयेश भाई जोरदार थिएटर्स में 13 मई को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 17.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, उसके बाद ये फ्लॉप हो गई थी मगर प्राइम वीडियो पर आने के बाद काफी सारे दर्शकों ने इस फिल्म को देखा और फिल्म की काफी तारीफ भी की। लिस्ट में आखिरी नाम आता है जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक पार्ट 1 का। बता दें कि अटैक पार्ट 1 पहले अप्रैल को थिएटर्स में आई थी। ये एक साईफाई फिल्म थी जो महज 15 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई, पर उसके बाद Z5 पर ये फिल्म 27 मई को रिलीज की गई थी। पर ओटीटी पर आने के बाद इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था और लोगों ने इसके सब्जेक्ट और विजुअल्स की काफी तारीफ भी की थी। बस ओटीटी से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड सोसाइटी।